एक सम्मान समारोह में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दिव्या ने खूब खरी खरी सुना दी। राजनीति के अखाड़े में ये मेडल दाव है, मतलब कि मेडल जीत कर आए खिलाड़ियों का सम्मान और इस बहाने जनता के सामने अपनी पीठ थपथपाने का खेल। दिल्ली में ये मेडल दाव मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी चला था, लेकिन केजरीवाल को मौके पर ही धोबी पछाड़ देकर चारों खाने चित कर दिया गया। ये धोबी पछाड़ मारा एशियन खेलों में रेसलिंग में कांस्य पदक दिलाने वाली दिव्या काकरानी। सुनिए दिव्या ने अरविंद केजरीवाल को कैसे खरी खरी सुनाई। कॉमनवेल्थ से मेडल आई हूँ, ठीक है, आपने बुलाया था, आपने कहा हेल्प करेंगे, मैंने आपसे कहा था कि एशियन गेम्स के लिए मेरे को तैयारी के लिए कुछ चाहिए, पर लेकिन सर उसके लिए नहीं हो पाया। आपने कहा कि हाँ आप बताइए, मैंने लिख के दिया, पर लेकिन फिर उसके बाद मेरा फोन भी नहीं उठाया गया। सुना आपने, ये है उस खिलाड़ी का दर्द जिसे मेडल के बाद पुरस्कार दिया जा रहा है। अब सुनिए इस खिलाड़ी ने केजरीवाल को क्या नसीहत दी। आज तो आप कर रहे हो, पर लेकिन जो गरीब बच्चे आप उनके लिए भी कुछ सोचे। आज तो आपने सबको हमें यहाँ पे इकट्ठा किया, हमने हमें कंग्रेचुलेशन बोला है, पर लेकिन जिस वक्त हमें ज्यादा जरूरत रहती है ना, उस टाइम पे हमारी सहायता कोई भी नहीं करता है, क्योंकि आज हम यहाँ पे बैठ के आज आप कम कर दीजिए हमारे लिए, पर लेकिन जिस टाइम पे ज्यादा जरूरत रहती है ना, अगर उस टाइम पे हमें मिले ना, तो हम अपना 100% हम गोल्ड भी दे सकते थे अगर हमारे साथ सपोर्ट रहती तो। देश के प्रधानमंत्री जी और देश का प्रेसिडेंट दोनों मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया, और एक देश का प्रधानमंत्री जब एक कोई भी खिलाड़ी और कोई भी आर्टिस्ट को ऐसे बोलते बहुत खुशी रहते, इतना सपोर्ट मिल रहा है तो लगते आगे और प्रेशर बढ़ गया कुछ करने के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री जी नॉर्थ ईस्ट के साथ जुड़े रहते हैं, क्योंकि चाय के साथ उसका बहुत पुराने दोस्ती है, तो मैं भी उस जगह का लड़की हूँ जहाँ से साई वो फेमस है। नॉर्थ ईस्ट में जो अभी प्रॉब्लम आ रहा है तो उसमें बहुत सॉल्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, ये बोलना ही पड़ेगा हम लोग, क्योंकि हम लोग देख रही हूँ क्या क्या चेंज हो रहा है नॉर्थ ईस्ट में या देशों में।